हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी फोटोज को एक नया रूप दे सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है PicsArt। इसमें एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले एक पिन करेंगे, वहां पर जो नीचे प्लस का साइन आ रहा है उस पे आपको टैप करना होता है। उसे टैप करते ही आपको आपकी ऑल फोटोज दिखाई देंगी जो भी आपकी गैलरी में होंगी। उनमें जाकर एक फोटो सिलेक्ट करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें फोटो सिलेक्ट हो चुकी है और इसमें आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड, टूल्स, इफेक्ट्स, ब्यूटीफाई, स्टिकर और कट ऑफ। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें एक एक करके हम आपको बता देते हैं कि इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन यूज करेंगे वो करेंगे टूल्स। टूल्स पर क्लिक करते ही आपको एक फ्रेम दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे क्रॉप, प्री क्रॉप, शेप क्रॉप, क्लोन, रिमूव, स्ट्रेच, मोशन, सेलेक्शन, कर्व्स और एडजस्ट। हमें सबसे पहले एडजस्ट पर टैप करना है। जैसे ही आप एडजस्ट पर टैप करेंगे तो आपको नीचे और ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी, सेचुरेशन, ह्यू और हाईलाइट। आपको सबसे पहले ब्राइटनेस का यूज करना है। ब्राइटनेस आपको जितनी भी ब्राइटनेस लेनी हो उसमें न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी आपको करना होता है उतना आप उसे ब्राइट कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आपको आता है इफेक्ट। इफेक्ट्स पर टैप करने से आपको बहुत सारे इफेक्ट्स अंदर दिखाई देंगे, जैसे HDR, डोजर, नॉइज, फिल्म। इनमें से किसी भी ऑप्शन से जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप अपनी फोटोज को उस पर टैप करके आप अपनी फोटो को एक नया इफेक्ट दे सकते हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब का यूज आप कर सकते हैं। इसमें एफएक्स के अलावा आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ब्लर, आर्टिस्टिक, मैजिक। इसमें हर ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसमें नए नए इफेक्ट्स आप अपनी फोटोज पे दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लर है, आर्टिस्टिक है, मैजिक है, पॉप आर्ट है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसपे आप क्लिक करके अपनी फोटोज को एक नया रूप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए आप वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नए नए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, ये टेक्स्ट है। हम इस पे PicsArt लिखकर दिखा रहे हैं। वैसे ही आप कुछ भी अपना नाम चाहें तो, या किसी का भी नाम या कुछ भी आप लिखना चाहें, फोटो के बारे में कुछ बताना चाहें तो आप उस पर टैप करके लिख सकते हैं। इसमें ऊपर एक और ऑप्शन जो लाइन्स दी गई है उसको अलाइनमेंट बोलते हैं, और उसको उस पर टैप करके आप अगर बीच में लिखना चाहें या साइड में लिखना चाहें या आप नीचे लिखना चाहें, जैसा भी करके आप अपने टेक्स्ट को रिसाइज कर सकते हैं। आप उसको इधर उधर जहाँ लिखना चाहें वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप राइट जो साइन बना हुआ है ऊपर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर से उसे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो में वो टेक्स्ट लिख जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट में फॉन्ट चेंज करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में आपको बहुत सारे फॉन्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे और आप अपना मनचाहा फॉन्ट लगाकर अपने टेक्स्ट को अपनी फोटो पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कलर, स्ट्रोक, ओपेसिटी, ब्लैंड, शेड, ये सब कुछ टेक्स्ट के लिए दिया हुआ है। कलर आप टेक्स्ट का चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ब्लैंड कर सकते हैं उसे। आप अपने टेक्स्ट को
किसी भी जैसे रंग बिरंगा बना सकते हैं, शेडो डाल सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, जिस तरह का भी ऑप्शन आप इसमें चूज करेंगे वैसा आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आएगा, जिससे आपकी फोटो और भी अच्छी लगेगी। इसके बाद हम आपको स्क्रीन पर दिखा दें कि जो बिफोर और आफ्टर जो भी पिक्स हैं, बिफोर में आप देख सकते हैं कि किस तरह की पिक्स थी और आपने पिक्सआर्ट को यूज करके आपने जिस तरह की एक बहुत सुंदर सी फोटो बन के तैयार हो गई है। इस तरह से आप पिक्सआर्ट को यूज करके अपनी कोई भी फोटोज को बहुत सुंदर, आकर्षक और खूबसूरत बना सकते हैं।